बीमारी यानी डिजीज, कई तरह की ये बीमारियां होती हैं। पढ़ा दिए थे इंग्लैंड की महारानी को कौन सा बीमारी था? हीमोफेलिया, वंशानुगत प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला पेकाब सोम, और जीव कवक द्वारा ए दाद खाज, जीवाणु द्वारा डीप सिटी का कुटनी है। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग, प्लेग को कहते हैं। विषाणु जीवाणु के बाद हम बताए थे कृमि द्वारा होने वाले रोग, दो ठो बीमारी मेन बताए थे, अतिसार यानी डायरिया और हाथी पाव यानी फाइलेरिया, हाथी पाव यानी फाइलेरिया। विषाणु द्वारा होने वाला रोग एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोक खटरा हिम, पढ़ा दिए तेरे जी। तुम लोग को बाबू अलग से कहेंगे, जैसे सारा लड़का बैठा है ना वैसे आप लोग भी बैठ जाओ। देखिए जब बेंच नहीं बैठ मिलता है तो आप सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं नीचे बैठने वालों के। वंशानुगत बीमारी भी होती है, प्रोटोजोवा द्वारा बीमारी, कवक, जीवाणु, विषाणु, ये सबके द्वारा क्या हो सकती है? बीमारियां हो सकती है। चलिए इतना ही बीमारी बताए थे ना, इससे पहले के क्लास में हम आपको ये सारी बीमारियों के बारे में बताए थे, वंशानुगत बीमारी, प्रोटोजोवा द्वारा बीमारी, कवक द्वारा बीमारी, जीवाणु, कृमि और विषाणु द्वारा। HIV सबसे खतरनाक बीमारी। सब लोग लाइव वाले को गुड मॉर्निंग बाबू। देखिए जल्दी इतना बता दिए थे हम, वंशानुगत बीमारी में आपका हीमोफीलिया जैसी बीमारी, बहुत सारी बीमारियां इसके वजह से भी होती है, वंशानुगत हो जाती है। जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस वंशानुगत हो जाता है, गंजापन बहुत सारे लोगों में क्या हो जाता है? वंशानुगत बहुत सारे लोगों में हो जाता है, लेकिन ये वंशानुगत है नहीं। जीवाणु द्वारा बीमारी, कवक द्वारा जीवाणु, कवक, कृमि, विषाणु, सारा का सारा बीमारी बता दिए थे, बता दिए थे कि नहीं बताए थे? विषाणु द्वारा बीमारियों में रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ता के कारण। हर्पीज एक स्किन से संबंधित डिजीज है, हो गया? हर्पीज किससे संबंधित डिजीज है? स्किन से रिलेटेड क्या है? बीमारी है। आगे बढ़े तो वंशानुगत बीमारी हो गई, प्रोटोजोवा, कवक, जीवाणु, कृमि, विषाणु, ये सारी की सारी बीमारियां आपको पढ़ा दिए थे पिछले ही क्लास में। अब इसके आगे कौन सी बीमारी है? डिफिशियंसी डिजीज है, कैंसर है। PDF में आपको मिर्गी आबसार बीमारी एक तंत्रिका को प्रभावित करता है। देखिए मिर्गी को इपिलेप्सी, मिर्गी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इपिलेप्सी कहते हैं ना, लिप्रोसी कोड को, मिर्गी को इपिलेप्सी। तो मिर्गी जो बीमारी होती है इसमें ब्रेन जो होता है ना ये तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, आपका मस्तिष्क पर उचित सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, और ब्रेन को जब उचित सिग्नल नहीं पहुंचता है तो ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करना छोड़ देता है। जिस व्यक्ति को मिर्गी से संबंधित बीमारी होती है उसका मेन कौन सा अंग प्रभावित हुआ रहता है? मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र। हालांकि अल्जाइमर, सिजोफ्रेमिया और मेनिंजाइटिस इसमें डायरेक्टली क्या होता है? ब्रेन हो जाता है, लेकिन उसमें जो होता है मिर्गी में पूरा सिस्टम तंत्रिका तंत्र, ब्रेन का एक पूरा सिस्टम है, वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। और इस तंत्रिका तंत्र के प्रभावित हो जाने से उसको जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसका पूरा शरीर क्या होने लगता है? कांपने लगता है। इसे देखेंगे ना मिर्गी वाले को ऐसे ऐसे लगे बिजली का झटका लग रहा है, उसको गिर जाएगा उसको, क्योंकि उसके पास जो मेन सप्लाई है वो छोड़ देता है। अब आप ऐसे समझिए, कभी कभी आप बल्ब जलाए होंगे तार जोड़ के, तो बल्ब भूख भाग करने लगता होगा, तरवा का सप्लाई छोड़ेगा ना तो भूख भाग करने लगेगा। आदमी क्या करता है? उसको डाल के माचिस उचिस का तिल्ली को ठोक देता है, सोच रहा था नहीं तुम का ही भूख भाग कर रहा है। तो वैसे ही तार का कभी कभी क्या छोड़ देता है? सप्लाई छोड़ देता है दिमाग का, तो उसका शरीर क्या होने लगता है? कांपने लगता है। तो उसका दवा होता है, तो लोग सप्लाई दिलाने के लिए ना उसको बदबूदार चीज सुंघाते हैं,
मोजा मोहकल मोजा सुंघा देते हैं कि उसका दिमाग वहां पे क्या हो जाए, सप्लाई आए थोड़ा सा, तो बस थोड़ा सा वही क्या करता है, सप्लाई दिला देता है, देख भाई तुम सप्लाई मत छोड़। सोचिए ब्रेन कितना जरूरी है, 2 मिनट के लिए सप्लाई छोड़ता है तो मिर्गी का दौरा उपट जाता है, समझ में आए कि नहीं। अगर बहुत खराब बीमारी होती है मिर्गी, सही होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत बहुत कम लोगों का ही क्या होता है, सही होता है मिर्गी का ही इलाज। आप में से किसी को है, इसमें हंसने की क्या बात है, मिर्गी है तो किसी को बता के रखिए कि हमको ऐसी बीमारी है, अदरवाइज में कभी उपट गया तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। हाँ क्या जी, आप पूरा उसको दर्द बहुत, अब उसको अजीब ब्रेन काम नहीं करेगा, उसका पूरा शरीर क्या होने लगता है, छटपटाने लगता है, मिर्गी बीमारी। अब उसके अलावा कैंसर बीमारी, कौन सा कैंसर, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी। कैंसर कुछ बीमारी के श्रेणी में नहीं आएगा, कैंसर मतलब बीमारी तो सबसे खतरनाक है, लेकिन उससे कोई अंग कैसे इफेक्टेड होता है समझिए। हमारे शरीर में सेंट्रोसोम होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, वो कोशिका विभाजन करके नई नई कोशिकाओं को बनाता है, नई नई कोशिकाओं को बनाता है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा, तो वहां कोशिकाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और उन्हें रखने का जगह नहीं होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, रखने का जब जगह नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, कैंसर का। आप हैंडीकैप में है, बैठ जाओ अभी, बैठ जाओ, लेकिन तुम डेली का वहां हिसाब बना लिया, समझा गया, बैठो अभी, बैठो अभी, बैठ गए तो बीच में से नहीं हटो, लेकिन मन बढ़ना अच्छा बात नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो जो हैंडीकैप का सीट है, देखो हैंडीकैप का सीट पे ऑलरेडी 5 बैठा लो, लटक के बैठा है, पूछ के बैठा, उसे बैठा लिया सब अलग बात है, तुम लोग उसमें जबरदस्ती मत बैठा करो लोग। देखिए कैंसर में कुछ बहुत खतरनाक नहीं है, हमारे शरीर में खतरनाक कैसे नहीं है, लेकिन बीमारी उसका क्या रूप होता है, हमारे शरीर में क्या होता है भाई, कोशिका विभाजन, हर जगह कोशिका विभाजन होता है, ब्लड में भी कोशिका विभाजन होता है, 4 दिन बाद WBC बन जाता है, 7 दिन बाद प्लेटलेट बन जाता है, 120 दिन बाद RBC बन जाता है, तो ये भी कोशिका विभाजन सेल डिवीजन से बन रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। हड्डियों में भी कोशिका विभाजन होता है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोमाइस, तो ये भी क्या होता है, हड्डी भी बनते हैं, टूट जाते हैं तो कोशिका विभाजन से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। स्किन में भी कोशिका विभाजन होता है, हर जगह कोशिका विभाजन होता है, लेकिन जब कभी भी कोशिका विभाजन जरूरत से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर उस चीज के लिए शरीर में एक्स्ट्रा जगह नहीं है और वो किसका रूप ले लेता है, कैंसर का रूप लेना चालू कर देता है। जैसे इस क्लासरूम में सबके बैठने के लिए जगह है कि नहीं, हॉल नंबर 1 है, नई जगह है तो 2, 3, 4, 5, लेकिन 5 तक में भी जगह नहीं हो पाता है, तो ये सब जमीन पे बैठना पड़ता है, 5 हॉल में जब जगह नहीं बचता है तो कहाँ बैठना पड़ता है, जमीन पर। तो ये किसका रूप ले रहा है सर, किसका रूप ले लिया सर, कैंसर। शुरुआती स्तर लीकोमा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लीकोमा, कैंसर का ही एक नाम क्या हो गया, लीकोमा। शुरुआत में जब जहां कैंसर बनता है वहां कोशिकाओं का ज्यादा इकट्ठा होने लगते हैं, तो वहां एक गांठ बनने लगता है, उस गांठ को हम लोग ट्यूमर कहते हैं, क्या कहेंगे, ट्यूमर। छोड़ देंगे तो ट्यूमर आगे जाके बड़ा रूप लेके क्या हो जाएगा, कैंसर, क्या हो जाएगा, कैंसर। और कैंसर का अभी तक में कोई ठोस इलाज नहीं है, कैंसर का 2 सबसे प्रमुख इलाज है, एक का नाम है कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी बहुत खतरनाक होता है, वो आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को मार डालता है, जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं उन्हें क्या करता है, मार डालता है। लेकिन कोशिका विभाजन तो आप में जरूरत से ज्यादा हो चुका है, जिस तरह से बांध जो होता है पानी को धीरे धीरे छोड़ता है, लेकिन जब टूट जाता है तो एक के बार में छोड़ देता है, यही समझ जाइए कि कैंसर का रूप ले लिया। शरीर में कहीं पे भी कोशिका विभाजन जरूरत से ज्यादा हो गया तो क्या रूप ले लेगा, कैंसर का। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है, कैंसर का, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। लीकोमा किससे संबंधित है, कैंसर से संबंधित है। ट्यूमर कैंसर से संबंधित है। कैंसर के इलाज के लिए हम लोग कीमियोथेरेपी का प्रयोग करते हैं, ये शरीर को बहुत नुकसान देता है कीमियोथेरेपी, बाल उल झड़ जाता है, जिसका कीमियोथेरेपी होगा देखिए ना, टकला हो जाएगा वहां पर, बहुत खतरनाक होता है कीमियोथेरेपी, शरीर को बहुत क्षति पहुंचाता है। लेकिन ऑपरेशन क्या कीजिएगा,
कैंसर में वही एक तो अभी तक का क्या है सॉलिड इलाज है, नहीं तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। शरीर में सबसे गहराई तक कौन जा सकती है, गामा रेज। तो गामा रेज क्या होता है, वो शरीर को क्या करता है छेद के और उन कोशिकाओं को क्या करता है मार डालता है जो एक्स्ट्रा है। अब ये गामा किरण कहाँ से लाएंगे, यूरेनियम को भड़काइएगा अल्फा बीटा गामा निकलेगा। तो किसी को कैंसर है उसके बगल में छोटा साइज का परमाणु बम फोड़िए मर जाएगा ना, ऐसा नहीं करना है। कैंसर जो है इसके इलाज में जो दो विधि है, पहला क्या आ गया कीमियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी, और दूसरा क्या है गामा किरण। कौन सी किरण, गामा किरण। अब ये गामा किरण कहां से आता है, तो कोबाल्ट 60 से, कोबाल्ट 60, ये रेडियो एक्टिव होता है। कोबाल्ट 60 से हम लोग क्या निकालते हैं गामा रेज, और इसमें का गामा रेज उतना घातक नहीं होता है। लेकिन अगर वही अगर कर देगा कोबाल्ट 60 की जगह यूरेनियम डाल देंगे तो उसका ससुरा का गामा रेज बहुत खतरनाक होता है, रोग और रोगी दोनों साफ कर देगा, कोई बचबे नहीं करेगा। आगे बढ़े, कैंसर, युवराज सिंह को कीमियोथेरेपी हुआ था सर, बहुत सारे हीरो हीरोइन लोग को कीमियोथेरेपी हो चुका है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भारत का कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिहार में महावीर संस्था, जो महावीर संस्था है वो कैंसर का बिहार में बहुत बड़ा एक मतलब ट्रस्ट के तहत चलने वाला संस्था है, जबकि भारत में सबसे बड़ा टाटा मेमोरियल है। अब उसके इधर अलावे भी और कई जगह है, लेकिन भाई पैसा बहुत लगता है और टाटा मेमोरियल के डॉक्टरों के पास बहुत ही हाई एक्सपीरियंस है। समझ में आया कि नहीं आ गया, एक्सपीरियंस ज्यादा है उन लोग के पास, वो समझ जाते हैं देख के कि किस स्टेज में। लेकिन कैंसर होने के बाद बहुत कम चांसेज रहता है कि इंसान बच पाए। लेकिन कोई भी अपने रिश्तेदार को मरते थोड़ी छोड़ सकता है, कुछ भी हो जाएगा कैंसर हो तो HIV के बाद तो 100% चांस है मरना है आप, लेकिन फिर भी उसको प्रेप से इलाज कराता है कि नहीं कराता है। तो कैंसर में बहुत कम चांस रहता है क्या होगा बचेगा। ट्यूमर क्या होता है सर, ट्यूमर कैंसर का एक तरह से कह सकते हैं शुरुआती रूप नहीं कह सकते, मतलब ये गांठ बनने लगता है, उसे क्या होता है गांठ। तो ये गांठ जो बनता है ना ये कैंसर का क्या होने लगता है शुरुआती रूप, इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कैंसर। लेकिन ये ट्यूमर अगर ब्रेन में बन गया ना तो शुरुआती स्टेज में मार डालता है, क्योंकि ब्रेन में जगह नहीं होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं हो। तो ब्रेन में ट्यूमर के बाद कैंसर होगा कि ट्यूमर में लटका देगा, ट्यूमर में ही मार डालेगा आपको यहाँ पर, इसलिए ब्रेन ट्यूमर बहुत खतरनाक बीमारी है। हालांकि शुरुआती स्टेज में अगर ट्यूमर का पता चल जाता है तो ब्रेन का ट्यूमर जल्दी पता नहीं चल पाता है। रीजन क्या है कि पूरे जगह का स्विच, जैसे बिजली का एक जगह स्विच है, जैसे इस क्लासरूम का पूरा स्विच वहां है कि नहीं है, वहां है, वहां से हम कहीं बटन दबाएंगे तो उधर का पंखा बंद हो जाएगा। तो समझदार इंसान को पता चलेगा ना उधर का पंखा बंद हुआ यानी स्विच यहाँ से दबाया गया। तो ट्यूमर में प्रॉब्लम क्या होता है, ट्यूमर ब्रेन में होगा और ब्रेन में होगा तो थोड़ा सा जगह एक उपाय करेगा, और जहां जगह एक उपाय करेगा तो ब्रेन में एक्स्ट्रा जगह तो है नहीं यहाँ पर। समझ में आ गया, नहीं आ गया किसी को दिक्कत कि आप लोग के ब्रेन में भी खाली जगह नहीं है, वो हम ऐसे बोल देते हैं कि आप लोग का दिमाग कम होता है। तो लड़की सब ऐसे करिए सर, सर ऐसे कैसे करें हम लोग में तो बहुत खाली जगह है, ऐसा नहीं है लड़का लड़की दोनों में जगह, ऐसे आप लोग क्या सोचती है, नहीं सोचती है ना, नहीं सोचिए, लड़की के भी दिमाग में जगह नहीं है लड़का के भी दिमाग में जगह नहीं। अब वहां ट्यूमर बनेगा तो किसी न किसी चीज को क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्ब करेगा तो ब्रेन में फालतू कुछ चीज है ही नहीं है, उससे पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आएगा। तो नौसिखिया डॉक्टर को या किसी भी डॉक्टर को पहला 1 साल लग जाता है उस चीज के इलाज करने में। एक आदमी को ट्यूमर हुआ था ब्रेन में, आप लोग के भी जान पहचान में कहीं ना कहीं किसी को हुआ ही होगा, वो जान पहचान को उनको ना दाहिना पैर से चला ही नहीं जाता था, ट्यूमर हुआ है कहां पर ब्रेन में, अब पैरों में उनको चलने नहीं जा रहा है। रीजन क्या है, वो सोच रहा है पूरा का सबका स्विच सप्लाई कहां है ब्रेन में, अब वहां से कुछ डिस्टर्ब किया होगा यहाँ का सप्लाई रुक गया होगा। 6 महीना पैर का इलाज करा करा के थक गए, बाद में पता चला जो जो आपके ब्रेन में क्या है ट्यूमर है, और उनकी मृत्यु भी हो गई, नहीं बच पाता आदमी। शुरुआत में पता चल गया तो अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आगे आ गया, ऑपरेशन करके और ट्यूमर को क्या कर देता है निकाल देता है, ट्यूमर को क्या कर देता है निकाल। लेकिन अगर स्टेज बड़ा हो गया है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ब्रेन में तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं, तो फिर यहाँ पर कैंसर कैसे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन होगा तभी कैंसर होगा, और यहाँ तो किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तो समझिए ब्रेन में 90% होता है न्यूरॉन सेल,
कौन सा? न्यूरॉन। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। अब ग्लियल सेल, कौन सा सेल? ग्लियल सेल, कौन सा सेल? आगे बढ़े, कौन सा लगा दिया? आगे बढ़े, ये भाई क्वेश्चन पूछिए। सेंट्रोसोम इन ब्रेन, सेंट्रोसोम देखिए, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, अतः इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन 10% सेल ग्लियल सेल होता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है और ये ससुरा कोशिका विभाजन करता है, और यही ससुरा पगला गया ना तो इसमें कोशिका विभाजन क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो अपने तो जैबे करेगा इसे सुधा 10% वाला, और 90% वाला ब्रेन को भी क्या करेगा? ले जाएगा। अब ब्रेन डेड हो जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा, आदमी मर जाएगा। ब्रेन से तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सबसे खतरनाक है। ब्रेन पे अगर किसी को गोली मारेंगे ना, इतना आराम से मरेगा कि पता ही नहीं चलेगा। अगर ब्रेन पे मारेंगे यहाँ पे धड़ाम से ना, सारा MCB यहीं पे है, मारेंगे धड़ाक से पता ही नहीं चलेगा, खत्म कहानी यहाँ पे। ऐसे कोई आदमी बैठा लेना, उसको ब्रेन पे गोली मार देंगे, यहाँ पे ना बैठ ले रह जाएगा, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि मर गया। अब भाई इधर उधर मारेंगे, बाप बाप चिल्लाएगा, मार दिया रे, हाथ तोड़ दिया, देख 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 दौड़ा, अरे सुरेंद्र मरिए मरल, तूने हल्ला करके रख देगा, और जल्दी मर वो नहीं करेगा। पैर और पे मारेंगे तो बाप बाप चिल्लाएगा, बच जाएगा। यहाँ पे छाती उती पे मारेंगे तो तनी मनी छटपटाएगा, लेकिन वो भी मर जाएगा। यहाँ पे नाजुक अंग होते हैं, यहाँ पे छाती चीरने के बाद उसका फेफड़ा या दिल को चीर देता है। अब ब्रेन पे मारेंगे ना, ऐसा पता ही नहीं चाहिए, इतना आराम से मरेगा जिसे लगेगा क्या हुआ है इसको। कैसे मोबाइल को आप लोग स्विच ऑफ करते हैं, बटनिया दबाते होंगे, पूछता होगा रीस्टार्ट या स्विच ऑफ, आप कहते होंगे स्विच ऑफ, कितना आराम से मोबाइल स्विच ऑफ होता है, आराम से इसे बंद हो जाता है। वैसे ब्रेन पे गोली मारेंगे तो आराम से मरेगा, चाय पीते में इसे मार देंगे ना तो वही में मर जाएगा, चाय पीते में। अब फिर ऐसे गिरेगा धां से, समझेगा तो इनको हल्ला ही नहीं करेगा, थोड़ा भी हल्ला नहीं करेगा। इसलिए स्नाइपर वगैरह या जब कभी ऐसा जगह घात लगा के हमला करना होता है, तो आर्मी के स्नाइपर जो जवान होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, छाती पे मत मार, सोच रहा बाप बाप चिल्लाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? हेडशॉट, खटाक से मारिए। इतना भीड़ में अगर किसी को एक लाठी मारेंगे तो चिल्लाएगा, लेकिन अगर किसी को बंदूक नहीं ना जाइए एक ऐसे मार देंगे हेडशॉट खत्म कर, तनिको हल्ला नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, चूचा कुछ नहीं करेगा। सारा सप्लाई यही है, हल्ला करने के लिए जीभ चाहिए, लेकिन सप्लाई कहाँ है? ब्रेन में। छटपटाने के लिए हाथ पैर चाहिए, सप्लाई कहाँ है? ब्रेन में। दर्द का एहसास करता है, ब्रेन बताता है। सारा वही चल गया, इस काम का किसी काम का नहीं रह गया। तो सबसे जरूरी क्या है? ब्रेन, सबसे जरूरी ब्रेन है। आगे बढ़ा, हाँ सेंट्रोसोम, सब कुछ उसी के पास रहता है। बोलिए, तेज बोलिए, बाबू आंख की रोशनी चली जाती है। अब ये गारंटी से नहीं कह सकते कि आंख की रोशनी चली जाएगी। तो आपके दोस्त को गया ब्रेन ट्यूमर, देखो बैठो, ब्रेन में ना सबकी जगह जगह क्या है? सप्लाई है, हर चीज का जगह जगह क्या है? सप्लाई। अब आपके दोस्त को जो ट्यूमर हुआ होगा ना, वो वही जगह यह हो गया होगा जहां किसका सप्लाई है? आंख का, इसलिए आंख की रोशनी चल गई होगी। अब किसी का कान का सप्लाई आ गया, वही जगह हो जाएगा कान का चल, जैसे वहां देख रहे हैं सब जगह, पूरे क्लासरूम का सप्लाई कहाँ है? वहां पर है। अब हम अंदाजिए वहां एक ईंटा फेंके, अब कौन सा स्विच बंद होगा ससुरा, किसी को नहीं पता, पता है कुछ भी, लेकिन कोई ना कोई क्लास में डिस्टर्बेंस होगा, समझा गया कि नहीं आ गया? इसलिए उसमें देखिएगा एक ढक्कन लगा के बसबर लगा देता है, मेन सप्लाई बंद वहां से ना हुआ। आगे समझते हैं, तो वो कोई जरूरी नहीं कि कौन सा अंग डिफेक्टेड होगा, आपको ज्यादा हो गया कोशिका विभाजन, इसके लिए आपको जांच कराना पड़ेगा, कहां पर? हॉस्पिटल में। अब वो हॉस्पिटल बिहार में उसका जांचे नहीं है, उसका सैंपल लेके भेजेगा मुंबई, और उसके बाद जांच आके पता चलेगा आपके कोशिका विभाजन ज्यादा हो रहा है, कैंसर का लक्षण है, समझ गए? आगे बढ़े। अब टाइफाइड हो जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? विराल टेस्ट कराइए, नहीं तो लक्षण देखिए, तो वैसे ही कैंसर में भी होगा तो लक्षण देखिए, नहीं तो विराल टेस्ट करें। सर अल्ट्रावायलेट रेस से भी कैंसर सही हो सकता है? नहीं बाबू, यूवी किरण चाहिए, सॉरी गामा किरण चाहिए। अल्ट्रावायलेट से कैंसर, अल्ट्रावायलेट से कैंसर हो जाता है, अल्ट्रावायलेट से कैंसर हो जाता है, इलाज नहीं होता है।
लीवर कैंसर क्या होता है भैया, इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, लीवर में हुआ तो लीवर कैंसर, आंत में हो गया तो आंत का कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ब्रेस्ट कैंसर के भी रीजन देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में दूध ग्रंथियां होती हैं जो दूध को बनाती हैं, लेकिन फैशन की दुनिया में लोग दूध पिलाना ही नहीं चाहता है यहाँ पे। अब उसमें क्या आएगा, एक नेचुरल जो बनावट है, अब नेचुरली चीज में आप छेड़छाड़ करेंगे तो बीमारी होगी। तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, पुरुष ग्रंथि जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि महिलाओं में ओभम के लिए अलग रास्ते होते हैं और यूरिन के लिए अलग रास्ते, दोनों के लिए अलग अलग, लेकिन मेल में ऐसा नहीं है। स्पर्म एंड यूरिन दोनों के लिए सेम, प्रोस्टेट ग्लैंड वहां से क्या होता है डिवाइड करता है। तो मेल में प्रोस्टेट कैंसर एक कॉमन हो गया, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो गया, और अभी फीमेल में एक बहुत बड़ा कैंसर होता है यूट्रस कैंसर। देखिए यूट्रस, बच्चा जो रहता है पेट में, वो खाना जिस पेट में हम खाते हैं उसमें बच्चा नहीं रहता, उसके लिए एक अलग थैली रहती है जिसे यूट्रस कहते हैं। देहात में आम बोल चाल भाषा में लोग उसे बच्चादानी कहते हैं, तो लेकिन इंग्लिश में टेक्निकल नाम उसका क्या होता है, यूट्रस। तो जब बच्चे होते हैं उसका कोई काम नहीं रहता है, अगर बच्चा है गर्भवती महिला है तो उसका यूट्रस का काम है, अदरवाइज में उसका काम नहीं है। तो किसी के 3-4 बच्चे हुए, अब यूट्रस का काम नहीं है। अब जब महिला का एज 40-50 के पास पहुंचता है तो यूट्रस में अब डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है, कभी चोट लग गया यूट्रस में या कुछ लग गया तो यूट्रस में घाव बनने लगते हैं, उसमें गांठ बनने लगते हैं, तो उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि यूट्रस पूरा काट के फेंक दीजिए वहां पे। तो हिस्टेरेक्टॉमी करके अमूमन महिलाओं का आजकल यूट्रस काट के क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, यूट्रस को काट के क्या करते हैं, निकाल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, तंबाकू क्रिएट कैंसर, हाँ तंबाकू खाएंगे तो कहाँ का कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर। अब देखेंगे ना, सरकार लिखती है कि तंबाकू पे लिखिए कि तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है, तंबाकू से क्या होता है, कैंसर, तो फिर भी लोग खाते हैं। देखो किसी में भी हो, क्या जी, क्या कैंसर कहीं हो सकता है बाबू, यूट्रस में कैंसर छोटा हो या बच्चा हो, यूट्रस कैंसर महिलाओं में 10 साल की उम्र में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन वो कॉमन नहीं है, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर महिला का उम्र 40-50 पहुंच गया है तो उसमें यूट्रस कैंसर की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन छोटी बच्ची में ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो जाता है। जैसे आंख की रोशनी का जाना 40-50 के बाद नॉर्मल है, लेकिन अभी भी देखिए बहुत सारे लोगों को चश्मा लगने लगा, तो उम्र के हिसाब से ये थोड़ी है, बट ये क्या है, एक डिजीज है, तो इसमें कोई रोक थोड़ी सकता है। देखो यूट्रस कैंसर छोटी बच्ची को हो सकता है भाई, देखो यूट्रस भी तो शरीर का भाग ही है ना, अब उसमें भी मान के चलिए कोई छोटी बच्ची है 10 साल का है, तो उसमें थोड़ी ना उस बच्चा हुआ होगा, उसको तो खुद ही 10 साल, लेकिन वो उसमें भी तो शरीर का हिस्सा है, वहां पे भी अगर कोशिका विभाजन सेल डिवीजन कंट्रोल के बाहर हो गया वहां भी हो सकता है, लेकिन एक संभावना ज्यादा होती है किसमें, एज के बाद। तो कैंसर जो होता है वो कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि। अब ब्लड कैंसर जो होता है उसमें भी क्या होता है, जरूरत से ज्यादा क्या होने लगती, वृद्धि होने लगती, तो ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर वाले को थोड़ा सा कंट्रोल करना इजी होता है, इजी इसलिए होता है कि इधर से एक नली लगाएगा, जितना कैंसर वाला ब्लड क्या करेगा उधर से निकालना चालू करेगा और इधर से नया चढ़ाना चालू करेगा, तो एक दो बार करके प्यूरिफाई कर देगा और फिर भेज देगा, कहेगा 3 महीना बाद फिर आइएगा, 4 महीने बाद फिर आइएगा। तो ब्लड कैंसर वाले को थोड़ा बहुत पैसा, अगर आपके पास पैसा है तो ब्लड कैंसर वाले को तो इलाज करा लेंगे, क्योंकि जॉब जाएंगे कराने 2-2.5 लाख रुपया लगेगा, साल भर में उसका पैकेज बना देता है हॉस्पिटल वाला, 10 लाख दीजिएगा साल में 4 बार आपका ब्लड बदल देंगे। तो बताओ भाई गरीब आदमी कभी कर पाएगा, 10 लाख देगा तो उसका परिवार वाला मर जाएगा, मरीज तो बच जाएगा परिवार वाला कहां से लाएगा 10 लाख रुपया भाई। आगे बढ़ते हैं, तो कैंसर बीमारी, बोन कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर तक तो पहुंचने ही नहीं देता है, ब्रेन ट्यूमरे में मार डालता है, समझा कि नहीं, ब्रेन कैंसर तक पहुंचने देता है नहीं, उतना मौका देगा, ब्रेन ट्यूमर हुआ साफ कर देगा आपको 6 महीना साल भर के अंदर। स्किन कैंसर भी हो सकता है भाई, अरे भाई हर जगह कैंसर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्किन में कोशिका जरूरत से विभाजन हो, स्किन कैंसर, आंखिया में हो गया आंख कैंसर, कहीं भी होता है सेम चीज होता है कैंसर। ब्लड हमेशा चेंज करना पड़ेगा, ब्लड कैंसर वाले को तो निकाल दिया जाता है, हाँ
क्या बोल दिया नहीं निकाले? अब पूरा शरीर में फैल जाएगा तो क्या जरूरत है निकालने का? शुरुआत में निकाल दिया जाता है। अब मान के चलिए कोई महिला है, उसके यूट्रस में कैंसर है और उसको छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर में फैल गया। अब डॉक्टर के पास जाइएगा तो काहे लिए अब यूट्रस निकालेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीरा लगाएगा फिर यूट्रस निकालेगा, फायदा क्या हुआ? उससे कैंसर पूरे शरीर तक लास्ट स्टेज में निकालेगा क्या? डॉक्टर पागल है? जब पूरा फैल गया तो क्या करेगा निकाल? शुरुआती स्टेज में तो सबसे पहले निकालता है, शुरुआत पहले ही कहता है डॉक्टर कि आप क्या होने वाला है, यूट्रस में क्या बन रहे हैं, गांठ बन रहे हैं या ट्यूमर बन रहे हैं, इस पर निकलवाइए जितना जल्दी। हाँ, कौन डॉक्टर के पास बोलती है तुम नहीं निकालता है? करिए कि नहीं तो बताओ, आप बताओ, यूट्रस में निकल तो कब निकाला जाता है यूट्रस? लास्ट स्टेज में काय को निकालेगा जब पूरे? डॉक्टर आपको सारी बात नहीं बताता है, मरीज मर भी जाता है ना तो रिश्तेदार सबको कहता है गॉड ब्लेस यू, गॉड इज ग्रेट, और उसके बाद सोचता है कि इस परिवार में सबसे हिम्मत वाला कौन है, उसको सारा बात बताता है। तो डॉक्टर आपको सारा बात नहीं बताएगा, समझ में आ गया? उसको कहिएगा कि हम हिम्मत वाले हैं, बता देगा। सर तालिबान भी तो एक कैंसर का ही रूप है, वो HIV है। आगे बढ़ते हैं। हो गया कैंसर, हो गया बीमारी भाई, इसका इलाज बड़ा मुश्किल है। अभी कैंसर और HIV का इलाज बड़ा मुश्किल है। सर कंप्लीट बायोलॉजी का PDF कब मिलेगा? मिल चुका है। अब ये आपका बायोलॉजी का जो PDF ना लास्ट है, खत्म, इसके बाद नहीं है PDF। पैर दर्द करता है, इधर गया, देखिए सर मेरा पैर बहुत दर्द करता है, कैंसर तो नहीं है। काहे डर रहा है तुम? खाना पीना खाओ, बढ़िया से रहो, पैर दर्द नहीं कर, पैर दर्द किया तो डर गया बेचारा, कैंसर तो नहीं। अब सब डर गया सर। आगे देखिए, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे डिफिशियंसी डिजीज है कि नहीं, इसमें डिफिशियंसी डिजीज नहीं पढ़ाए, ये पढ़ा चुके हैं भाई, इसमें पढ़ाएंगे नहीं डिफिशियंसी डिजीज, ये बस हम बता देंगे डिफिशियंसी डिजीज, कमी से होने वाला रोग। देखिए, आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से घेंघा, इंसुलिन की कमी से शुगर, डायबिटीज शुगर या मधुमेह, डायबिटीज कहिए, अच्छा नाम होता है डायबिटीज, देहाती भाषा में शुगर, और नहीं तो इसे मधुमेह, कौन सा? मधुमेह, याद रहेगा कौन सा? मधुमेह, तो वो भी किससे? डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन ए की कमी से रतौंध, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से एस्कर, डी की कमी से रिक, ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, के की कमी से थके नहीं बनेगा ब्लड, क्या हो जाएगा? हेमरेज हो जाएगा। अब दो बीमारी अलग से समझिए, हेमरेज और हार्निया। हेमरेज में नस फट जाती है, ये जो हेमरेज होता है ना ब्रेन की छोटी छोटी नस, क्या हो जाएगी? फट जाएगी, आपके क्या हो जाएगी? मृत्यु। हार्निया में क्या होता है कि एक अंग शरीर का बढ़कर दूसरे अंग से क्या होने लगता है? टच करने लगता है, तो वहां पे क्या होता है? हार्निया हो जाता है। अक्सर आंत के पास होता है, पेट जो होता है ना आंत, यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा? हार्निया हो जाएगा। जहां हम लोग बेल्ट पहनते हैं तो बेल्ट वोल्ट से ज्यादा दब जाएगा, तो एक अंग बढ़कर दूसरे अंग को क्या ना लगने लगता है? डिस्टर्ब। तो जो एक्स्ट्रा बढ़ गया उसको काट के क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है, तो वही कहा जाता है हार्निया का क्या हुआ है? ऑपरेशन हुआ है, बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, बढ़ जाएगा तो दूसरे को क्या करेगा? डिस्टर्ब करने लगता है। ये तो नॉर्मल बीमारी है हार्निया, बहुत नॉर्मल कॉमन बीमारी है हार्निया। आगे बढ़ते हैं, बबरिंग हो रहा है। ये बीमारियों का पूरा ग्रुप समझ में आ गया, पूरी बीमारी बता दिया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता है जिससे इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना पूछे, और हम आपको A to Z बताए आपको सर ठीक कैसे होता है। ऑपरेशन करा लीजिए हार्निया का, सही हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज ठीक नहीं हो पाता है, हो जाए बहुत मुश्किल है बउआ, ब्रेन हेमरेज होना बचना, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, HIV, ये HIV में तो सवाल ही पैदा नहीं होता बचने का, लंबा खींचेंगे। HIV में ये है कि आकस्मिक मौत नहीं करता है, जैसे कैंसर वाला है ना, उस शीशा का कांच है समझिए, वो कैंसर शरीर में है ना तो शीशा की तरह, कब जोर कर देगा कोई पता ही नहीं चलेगा। HIV में ऐसा नहीं है, वो एक धीरे 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 स्वीट पॉइजन है, आपको 5 साल 7 साल 10 साल में मारेगा, और कैंसर वाला तो खतरनाक ही है। आपको जिनका क्लास रुक गया एक बार बैक होके वापस आएंगे। अब हमको दवाइयों के बारे में बताना है, किस चीज के बारे में? दवाइयों के बारे में। आपको बीमारी पढ़ा दी है, इस बीमारी से जो लापरवाही करेंगे तो बीमारी तो होगा ही, एग्जाम में भी नंबर कम आएगा, इसलिए इसमें दोनों तरह में कोई लापरवाही नहीं करना है, बीमारी को हर हाल में साफ कीजिए, और इससे आपके एग्जाम में
क्वेश्चन आएगा, और इतने लड़के सब घोंचू होता है, सब पढ़ेगा सब, उसके बाद सोचेगा सर कि रिवीजन मारेंगे, कभी रिवीजन नहीं कर सकते। अब खुद सोच के देखो बाबू, अगर हमारी देश की सेना है उन्हें पूरी अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं, हर हथियार है, ट्रेनिंग है सब। अब उस पूरे सेना को आप कैंप में ले आके रख दीजिए, दानापुर कैंट, बनारस कैंट, इलाहाबाद कैंट, अंबाला कैंट, जहां तहां रख दीजिए। अब बॉर्डर को खुला छोड़ दीजिए कि दुश्मन आएगा तो भेजेंगे इनको मारने के लिए, क्या होगा? दुश्मन घुस जाएगा, आप किसी काम का आपका ट्रेनिंग रह गया, कोई काम करने, वही आप लोग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैथ भी पढ़ेंगे, रीजनिंग, जीएस सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद आप इस भरोसे बैठ जाते हैं कि मतलब एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे। अजी वाले एग्जाम आएगा तो नया चीज पढ़ लीजिएगा ना जी, अगर कह लिए दोहराइएगा। इसलिए किसी भी चीज को पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा और आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पढ़ लिए हैं और पीछे का पूरा आइडिया नहीं है, तो आपके अंदर मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होते रहेगा और आप ही के लिए ये लॉस होगा। अब हम लोग दवाइयों के बारे में देखते हैं। चलिए, आपको मटेरियल मिला है कि नहीं? मिला है? चलिए, इधर तो लिख दिया बेरी बेरी, ये सब कमी से होता है। दवाइयों के प्रकार, दवाइयां शरीर में पहुंचकर WBC को मजबूत करती है, उन्हें बीमारी से लड़ने के लिए क्या करती है? उत्तेजित करती है। बीमारी खुद ही इलाज करती है? नहीं, किसको मजबूत करती है? WBC। तो हम कोई भी दवा खाएंगे तो वो इलाज करेगा कि WBC को मजबूत करे? और HIV में WBC रहता है तो मजबूत किसको करेगा? खत्म कहानी, दवाइयां काम नहीं करती है, WBC नहीं रहा तो किस काम का रहेगा? कोई दवा काम नहीं करेगा। फिर एक वो प्रेप क्या करेगा? WBC को शील्ड लगा देगा, जो थोड़ा बड़ा बचे हैं सब ना WBC, उसके ऊपर क्या लगा देता है? शील्ड, बचा लेता है उसको यहाँ पर। वो भी कोनो काम का नहीं रहता है, प्रेप हो गया तो फिर खत्म कहानी, पहले बच सक। WBC चढ़ाएंगे तो ब्लडवे में ना रहेगा, बाकी उसको कह देगा आओ तुम भी मेहमान हो आओ, उनको भी बर्बाद कर देता है। अगला अब देखते हैं दवाइयों का काम, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। देखिए, दो दवाइयों के बारे में अक्सर आप लोग सुने होंगे, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, और एक होता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक किसी भी चीज को अंदर जाने नहीं देता है, एंटीसेप्टिक हानिकारक जर्म्स को, जो हानिकारक विषाणु, जीवाणु, ये जो जितने हैं उन्हें शरीर के अंदर जाने नहीं देता है, वो क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक। किसी को कोई दिक्कत है? कौन सा? एंटीसेप्टिक। वो किसी भी चीज के जीवाणु को, जर्म्स को अंदर जाने नहीं देगा, वो क्या कहलाएगा? एंटीसेप्टिक। लेकिन अगर ससुरा आप एंटीसेप्टिक लगाने में क्या कर दिए? देर। एंटीसेप्टिक लगाने में क्या कर दिए हैं? देर। तब अगर एंटीसेप्टिक लगाने में देर हो गया है तो उस कंडीशन में वो तो अंदर चला जाएगा शरीर। अब जब बीमारी शरीर के अंदर चली जाती है तब उसके लिए देना पड़ता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान के चलिए हमारा यहाँ कट गया, या दाढ़ी बना रहे हैं, आई से कट गया, यहाँ कट गया, तो अब यहाँ पर हमारे अगल बगल में पूरे वातावरण में जर्म्स घूम रहे हैं, वो जर्म्स अंदर घुस जाएंगे, तो उन्हें रोकने के लिए पहले क्या देना है? एंटीसेप्टिक। क्या देना है? एंटी। इसलिए देखिएगा, दाढ़ी बनाने के बाद क्या लगा देता है? फिटकिरी। अब फिटकिरी का जमाना नहीं है, डेटॉल, डेटॉल लहरने लगता है, सेवलॉन देखते हैं, वो भी नहीं होता तो वो क्रीम लगा देता है, क्रीम आएगा वहां पे। सैलून में देखिएगा ना, एक से एक क्रीम रख ले रहता है, आजकल लड़की की तरह ही सेम लड़कों का मेकअप हो रहा है। हमारा दाढ़ी बनाने वाला आया तो रस्सी लेके आया था, धागा, रील, कहा कि सर इसको क्रीम लगा देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, पूरा साफ हो जाएगा। हम कहे चुप चुप चाप दाढ़ी बनाओ, बाल बनाओ, निकल यहाँ, क्रीम लगाएगा ऐसे ऐसे, रसरी लेके आया था खूब अच्छा, ऐसे धागा पोत के ऐसे 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 कर रहा था, हम कहे निकल यहाँ, अजीब हाल है। हम एक बार दाढ़ी बनाते में सो गए और पोत पाप दिया पूरा। हम कह रहे ये का किया रे तुम? कहा कि सर इससे ग्लो सब आएगा, पता नहीं क्या, ग्लो, हम ग्लो सब बोल, ग्लो आएगा। और कह रहा है कि अभी साबुन उबुन मत लगाइएगा, फेस वॉश मत लगाइएगा। हम कहे हटा ही सबको, ग्लो आएगा यहाँ पे, तेरा पास ऐसा कोई ग्लो नहीं बना है दुनिया में जो मेलानिन के प्रभाव को खत्म कर दे। अगर ग्लो आता तो भैंस भी जर्सी गाय हो जाती है। सर हमको सिखाएगा, हम अपने जमाने में 7 साल तक फेरे लवली लगाए थे।
कोई असर नहीं हुआ, काला का काला रह गए हम, इसलिए हम हमेशा के लिए छोड़ दिया। ग्लो आएगा, ग्लो आएगा, सीधा बोल ना, तुम्हारे पैसा में पैसा का फ्लो आएगा तो ग्लो आएगा इनके यहाँ पे। ये सब लड़की सबको बेवकूफ बनाना, समझ आएगा कि नहीं आएगा, सब टेम्प्रोरी रहता है। लड़की सबको भी देखिएगा ना, जो मेकअप करती है वो टेम्प्रोरी रहता है, परमानेंट थोड़ी रहता है। खूब मेकअप करके रहेगी ठीक है, सुबेरे जब सूत के उठेगी तो देखिएगा सियार लगेगी। चलिए ध्यान से समझते हैं, ये टेम्प्रोरी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता है वहां पे टेम्प्रोरी। कुछ देर तक, एक से दो दिन तक आपको क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, हमेशा के लिए थोड़ी करेगा। तो जब भी कभी कट जाए तो चुपचाप से आप लाइफ बॉय साबुन से एक बार अच्छा से धो लीजिए, चाहे डेटॉल साबुन से, उसमें डिटॉल लगा दी, वो क्या हो जाता है, एंटीसेप्टिक हो जाता है। लेकिन मान के चलिए दाढ़ी बना, कट गया, छोड़ दिया ऐसे ही, अब वहां क्या बनने लगेगा, घाव बनने लगे, और घाव अंदर अंदर चल जाने लगेगा, तो हम नॉर्मल सूखने का दवाई खा लेंगे। लेकिन अगर वो दवाइया सूखने वाला काम नहीं कर रहा है, तो सूखने की दवाइया के साथ साथ, दवाइया तो यही ना सुखाएगा, लेकिन जो अंदर बैक्टीरिया घुस गया है, वो पूरे ब्लड में घूम रहा है, उसको दौड़ा के मारना जरूरी है। तो एक वो एंटीबायोटिक खा लेंगे, तो दौड़ा के खोज खोज मारेगा, और जो सूखने का दवाइया लिए है यहाँ पे प्लास्टर करेगा, तो यहाँ पे प्लास्टर कौन करेगा, सूखने वाला दवाई, और उसको जो दौड़ा के एकदम पूरा शरीर में चोटिया के कौन मारेगा, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक कोई दवाई को ठीक नहीं करता है बीमारी को, बल्कि जो आप दवाई खा रहे हैं उसको कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ प्लास्टर कर, और जो अंदर गया है ना उसको चोटिया के कौन मारेगा, हाँ समझ में गया, एंटीबायोटिक। तो जब कभी भी दवा काम ना करे तो उसके साथ एक क्या खा लेना चाहिए, हाँ एंटीबायोटिक, तुरंत काम करता है, समझ में कि नहीं आ गया। और ऐसे नॉर्मल खाते रहेंगे तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बताइए शरीर में घुसने से कौन रोक देता है, एंटीसेप्टिक, और दौड़ा के मारता है शरीर, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक याद रहेगा ना, एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक। अब एक एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक ये बुखार को उतारता है, एंटीपायरेटिक किसे उतारता है, बुखार को, बुखार लग जाएगा तो कौन सी दवा दी जाती है, एंटीपायरेटिक। बुखार लगने पे कौन सी दवा, एंटीपायरेटिक दवा, कौन सी दवा, एंटीपायरेटिक दवा। एंटीपायरेटिक दवाओं में आपको क्या मिला रहता है बाबू, पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक दवाओं में क्या मिला रहेगा, पैरासीटामोल, क्या मिलेगा, पैरासीटामोल खाएंगे आपको बुखार उतर जाता है, समझ में आएगी नहीं गा? किसी को कोई दिक्कत, पैरासीटामोल से क्या उतर जाता है, बुखार उतर जाएगा। एक दवा होता है एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी ये जनन क्षमता को क्या करता है, रोक देता है, जनन क्षमता को क्या कर देगा, रोक देगा। अब मान के चलिए किसी का, किसी को दो लड़का, दो दो से तीन लड़के बहुत होते हैं आज के वक्त में, हालांकि कहा जाता है हम दो हमारे दो, लेकिन फिर भी लोग एक को बैकअप में लेके चलता है कि उम्र और आ गया तो क्या होगा, एक को बचल रहे हमारे दोस्त का दो को हो गए हैं सब, लेकिन कह रहा है कि एक और बैकअप के लिए, सोचा मर और आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हम कहे ठीक है भाई तब तुम्हारा बैकअप प्लानिंग है, तो मान के चलिए तीन। तो लेकिन साइंटिफिकली एक लड़के से दूसरे लड़के के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, कितना साल का गैप है, 3 साल का गैप होना चाहिए। सब कोई शाहजहां थोड़ी हो जाता है सब लोग शाहजहां नहीं है, तो उस दौरान को जो 3 साल का गैप है, इस दौरान कौन सी दवा दी जाती है, एंटी फर्टिलिटी, कौन सी दवा, एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी दवा दी जाती है। इस 3 साल के दौरान प्रेगनेंसी होने नहीं देता है, याद रहेगा, बताइए एंटीसेप्टिक बीमारियों को अंदर जाने से रोकता है। अच्छा चल गया तो बुखार आया तो एंटीपायरेटिक में सबसे मेन एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल। अब एंटी फर्टिलिटी किस काम में आता है, गर्भ निरोधक में आता है, ये यहाँ पर ये जनन क्षमता को क्या करता है, रोक देता है यहाँ पर। अब ये एनाल्जेसिक, क्या होता है, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक दवाइयाँ जो होती हैं ये दर्द को कंट्रोल कर देती हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझते हैं। एंटी एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, दर्द निवारक, एनाल्जेसिक दर्द,
दर्द के लिए होता है एनाल्जेसिक, खा लेंगे तो आपका दर्द नहीं होगा। तो अक्सर ये एनाल्जेसिक का प्रयोग ऑपरेशन के बाद किया जाता है। ऑपरेशन जब कर देता है तो आपको दवाइयों का देखिएगा, एक 10 दिन का पूरा खुराक चलाता है, उसमें एक तो सूखने की दवा डाल देगा, एक तो एंटीबायोटिक डाल देगा, एक एंटीसेप्टिक दे देगा, ताकि अब वहां पे ऑपरेशन कर दिया है, मान के चलिए यहाँ ऑपरेशन कर दिया, पट्टी बांधा है, कोई भी जर्म साइट से घुस सकते हैं, अब हटा हटा के आप उसमें एंटीबायोटिक नहीं ना छिड़किएगा, तो एक वो आपको क्या दे देगा, एंटीसेप्टिक का, एक वो देगा एंटीबायोटिक का, एक तो देगा सूखने का, किसका देगा सूखने का, लेकिन उसमें काट के सिल्ले ससुरा, एक वो क्या देगा एनाल्जेसिक, क्या देगा एनाल्जेसिक, ताकि आपको दर्द क्या हो सके, कम हो सके। नहीं तो ससुरा बाप बाप चिल्लाने लगेगा दर्द वर्द होके यहाँ पर। हमारा जब गले का ऑपरेशन हो रहा था ना, गले का ऑपरेशन कराए, एक नंबर सही हो गया, ऑपरेशन करा के यहाँ पट्टी उट्टी बांध के आ रहे थे, बीएचयू से, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ऑपरेशन हुआ, बहुत पहले आज से 9-10 साल पहले, 2012 में 12 या 13 में हम ऑपरेशन कराए थे। तो ससुरा रास्ते में आ रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, एगो ससुरा गाय सड़क के अपने घूमते रहती है, वो अचानक बीच में आ गए, ससुरा गड़िए पलट गया मेरा, हमके हम गए का यहाँ पे बाहर में जहाँ सोचा गाड़ी किधर पलटल है, कौन पलटल है, हम यहाँ देख रहे हैं ठीक ठाक है कि नहीं है, एक सोचा ऑपरेशन करा के निकल रहे, ऊपर से गाड़ी पलट गया। कभी कभी किस्मतें अजीब रहता है, तो पलटा अलग बात है, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं, नहीं तो अगर कुछ हो जाता तो फिर जो हमको गर्दन वर्दन में सब नस चाउमिन की तरह निकल जाता, पकड़ के ले जाते डॉक्टर को, देखो फिर सिलो निकल गया यहाँ। हम तो पहले उठते पहले इसे चेक कर रहे थे, कोनो लटक उटक नहीं ना रहा है, खाली तो इसमें वायरिंग है, ये गर्दन में दूसरा कौन जी, खाली वायरिंग है यहाँ, अगर खुल गया रहता तो सब पकड़ के ले जाना पड़ता है, गाय के चक्कर में जान चल जाता हमारा। सड़क पे आवारा पशु ना बहुत दुर्घटना का कारण बन जाते हैं सब। एनाल्जेसिक किस लिए दिया जाता है, दर्द के, लेकिन ज्यादा इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा दर्द की गोली खाएंगे तो कान की रोशनी करो, कान की सुनने की क्षमता कम होने लगती है। बुढ़ौती में देखिएगा ना, लोग गठिया का दवा ही खाएगा, सुनने में नहीं करेगा, बूढ़ा आदमी को देखिएगा, बुलाएगा किसी को अपने पोता पोती को, बाबू आ, और बोलेगा हाँ दादा, ये सुनबे नहीं करेगा, बाबू बोलेगा हाँ दादा सुनबे, 3 बार बोलेगा तो गरियाना चालू कर, तो सुनाई नहीं दे रहा है रे। अरे भाई आपको खुदे नहीं सुनाई दे रहा है। तो एनाल्जेसिक भी दवाइयां होती हैं जो दर्द को कम कर देती हैं। इसमें सबसे ज्यादा आता है आपका अफीम जो होता है, अफीम खा लेंगे तो आपको दर्द नहीं करता है, और इसमें एक मार्फिन दवा होती है, क्या दिए, मार्फिन हर फौजी को दिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में हर फौजी कमांडो को क्या दिया जाता है, मार्फिन खा लेंगे आपको दर्द नहीं होगा, कितनों मारे आपको मार्फिन के बाद दर्द नहीं होगा, लेकिन मार्फिन के बाद दिखाई पूरा अच्छा से नहीं देता, धुंधला दिखता है, इसे यहाँ पे एकदम नशा होता है, उसमें किसमें शीशा होता है, नहीं रे बकलोल शीशा का ही खिलाएगा उसमें, जी वाले तुम इधर का कॉन्सेप्ट उधर का ही मिलाता है। मार्फिन दवा होती है, अब गोली लग गया है किसी फौजी को तो उसे मार्फिन देना जरूरी है, वरना अगर कोई फौजी छुपा रहेगा, मान के चलिए किसी छुपा है दुश्मन का घात लगा के, और दुश्मन को अंदेशा हो गया कि इधर दुश्मन छुपा है, गोली मारेगा किसी के हाथ में लग गया, बाप बाप चिल्लाएगा सब उसका लोकेशन पता चल जाएगा, तुरंत क्या लगा लेता है मार्फिन, आराम से सोया रहेगा, तो गोली का दर्द बहुत खतरनाक होता है। तो मार्फिन वगैरह हो गया, अफीम मार्फिन ये सब किस चीज के लिए आते हैं सर, एनाल्जेसिक, हालांकि मार्फिन बहुत ही ज्यादा नशा कर देता है, लेकिन दवाइयों का बहुत ज्यादा सेवन करने से टॉक्सिक इफेक्ट पड़ने लगता है। कहेगा टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, तो किसी भी दवा का बहुत ज्यादा सेवन कर लेने से वो दवा हमारे ऊपर अब अच्छे से काम नहीं करती है और उल्टा रिएक्शन करने लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट। तो बहुत ज्यादा दवाइयों का आदि नहीं बन जाना चाहिए, बहुत ज्यादा आदि नहीं बन जाना चाहिए। हमारी दादी थी ना, वो डेली सुबह एगो कम्बी प्लान खाती थी, एक दवा आता है बुखार और दर्द का कम्बी प्लान, डेली खाना के टाइप कम्बी प्लान खाती थी, उनको कोई समझाए जाना समझाते नहीं, उनको सुनबे नहीं करती थी, हो गया बीमार, हाथ पैर टेढ़ा हो गया, इसे वो हो गया, यहाँ पे चल गई, समझाओ तो समझ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे हमारे दादा सबसे ठीक ठाक थे, दादी और दादा में सबसे अच्छे दादा थे, वहां पे वो सब चीज को समझते थे, दादी कुछ समझ में नहीं करती, दादा मना करते थे कि मत खाया करो डेली, तो कहती आप मत लाया कीजिए, बेटवा सबसे मंगा लेंगे हम, उनको लगता था कि लाने के असकत से ही कह रहे मत खा,
सोच भी नहीं करती है सब, क्या बताएंगे यहाँ आपको। कहा जा रहा था कि आपको क्या हो जाएगा, टॉक्सिक इफेक्ट। दादा मेरे पढ़े लिखे थे, दादी मेरी तनिको नहीं पढ़ी थी, मेरे दादा गुलामी के समय में एमए किए थे, वो भी इंग्लिश से 1946 में, वहाँ आई पढ़ा लिखा नहीं थी। यहाँ पे समझाते थे दादा तो समझ में नहीं करती थे, तो दादा हमसे कहते थे नाना बुझती है सभी सब, हम कहे कि हाँ सही कह रहे हैं आप। तो कभी भी अक्सर ये बूढ़े लोगों में होता है, वो आदत कर लेते हैं किसी दवाइयाँ का। ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में देता है वो एक अलग बात है, आप अपने से वो दवाई का आदि नहीं करना चाहिए। उनको कौन सी बीमारी हो जाएगी, टॉक्सिक इफेक्ट, फिर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये आपको एंटीसेप्टिक समझ में आ गया, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीफर्टिलिक और एनाल्जेसिक, समझ आ रहा है कि नहीं। अब आईवी फ्लूट समझते हैं, ये तो दवाइयां टेबलेट के रूप में भी हो सकती है या आईवी के रूप में भी हो सकती है, समझ आ गया कि नहीं। आईवी के रूप में भी हो सकता है, दवाइयां दो टाइप की मिलेगी आपको। अगर थोड़ा धीरे धीरे प्रॉब्लम है, नॉर्मल प्रॉब्लम, तो आपको किस रूप में मिलेगा, टैबलेट के रूप में, और नहीं तो आपको किस में मिलेगा, आईवी के रूप में। आई मतलब होता है इंटर, वी से होता है वेंस, इंटर वेंस। देखिए आर्टरीज में कभी भी दवाई नहीं डालते, आर्टरीज का प्रेशर इतना तेज रहता है कि इंजेक्शन पहुंचेंगे तो इंजेक्शन में खून आ जाएगा, बहुत तगड़ा प्रेशर रहता है। दिल की धड़कन किस में रहती है, धमनी में, धमनी को क्या कहते हैं, आर्टरीज। आर्टरीज में कभी इंजेक्शन नहीं डालते, सोचो मैं इंजेक्शन फेंक देगा वहां पे, बहुत तगड़ा प्रेशर रहता है। हमेशा इंजेक्शन किस में देते हैं, वेंस, इसमें वेंस में यानी सिरा में। तो इसमें डाला जाता है सिरा यानी वेंस में, तो इसे कहा जाता है आईवी। इंजेक्शन को क्या कहा जाता है, आईवी। किसमें कहा जाता है, आईवी। अब मान के चलिए आपको बुखार छोड़िए नहीं रहा है तो किसमें देना पड़ेगा, आईवी। नॉर्मल है तो टेबलेट, अब नहीं छोड़ रहा है तो आईवी, नॉर्मल रहेगा तो टेबलेट। किसी को कोई दिक्कत है, अब कभी कभी किसी किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगता है तो उसे आईवी में फ्लूइड चढ़ाना पड़ता है। क्या चढ़ाना पड़ता है, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब पानी, इंट्रावेंस जो होता है, आईवी का मतलब समझ में आ रहा है इंट्रा, और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या चढ़ाना पड़ता है, पानी चढ़ा। जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, ब्लड बहुत गिर गया है या पानी की कमी हो गई है, तो इंजेक्शन से पानी चढ़ाएंगे तो बेचारा मर जाएगा उस वक्त। लोटा में पानी लीजिए, इंजेक्शन में चढ़ाइए, रुक अभी एक लोटा बचल है चढ़ाए, इसे पिचकारी भरिए, उसे पगला जाएगा है। उससे अच्छा लोटवे उल्टा करके सीधे चढ़ा दीजिए। तो लोटा को सेलाइन कहते हैं, क्या कहेंगे, सेलाइन। तो आईवी फ्लूट जो होता है सेलाइन पानी होता है, क्या होता है, सेलाइन। सेलाइन पानी चढ़ा दिया जाता है। देहात में उस पानी को कोई सेलाइन नहीं कहता है, ना ही आईवी फ्लूट कहता है, खाली कहता है ग्लूकोज चढ़तो, पानी चढ़तो, समझा गया कि नहीं। अब पानी में उसको कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि उसमें ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। तो देहात में, जब देहात में अगर आप कहेंगे कि मरीज सीरियस है तो ये नहीं पूछेगा कितना सीरियस, पूछेगा पानी चढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि देहात का आदमी जब तक पानी ना चढ़े वो सीरियस मानता ही नहीं। पानी चढ़ गया मतलब वो मरीज सीरियस है, अदरवाइज में सोचा मर जा तुमको, देहात का आदमी उसको सीरियस नहीं माने, तनी मनी है, पानी थोड़े चढ़ रहा है। जैसे पानी चढ़ने लगा सीरियस, एकदम सीरियस। अब इस पानी जो चढ़ाया जाता है ये किधर से चढ़ाया जाता है, वेन से, अतः इसे पानी ज्यादा रहता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, फ्लूट। और नहीं तनी सा रहेगा तो इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन। इंजेक्शन भी दो टाइप का होता है, आईवी होता है एक, इंटर मस्कुलर होता है, आईएम होता है इंटर मस्कुलर, ऐसे लगा देता है एक आईवी, इसमें चढ़ा देता है, समझ में यहाँ पे। और ज्यादा चढ़ाना है तो आईवी फ्लूड। इसमें कई टाइप के इंजेक्शन पानी होते हैं, एनएस होता है, डीएनएस होता है, D5 D10 होता है, आरएल होता है, हेमेक्सिल होता है, सेफ्रॉन होता है, मेट्रॉन होता है, अलग अलग टाइप का होता है। उसके बारे में पढ़ा देंगे आपको कि शुगर के मरीज को कौन सा नहीं देना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कौन सा नहीं देना चाहिए, ऑपरेशन के बाद कौन सा दिया जाता है, तत्काल एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है, घाव धुलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग टाइप का है वो, आपको सेलाइन वाटर में कल पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही।